इंसान किचन में बनने जा रहा है करेला के स्वादिष्ट सब्जी। आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। करेला के सब्जी तो सब खाते हैं, मगर हमारी इस रेसिपी को देखकर बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए करेला के स्वादिष्ट सब्जी बनाते हैं। करेला के सब्जी बनाने के लिए मैं करेला, प्याज, मिर्च को ले ली हूँ। मैं करेला के दोनों तरफ किनारे को काट लेती हूँ। मैं करेला को काट के अच्छी तरह धो ली हूँ, कुकर में डाल देती हूँ। मैं करेला में एक गिलास पानी डाल के गैस पर चढ़ा लेती हूँ, उबाल लेती हूँ। मैं करेला में 2 से 3 सीटी लगवा लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा करेला अच्छी तरह उबल चुका है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं करेला को बीज से फाड़ के इसका सारे बीज को मैं निकाल लेती हूँ। करेला के बीज से मैं मसाला को तैयार करूँगी। इसी तरह सारे करेला का बीज को निकाल लेती हूँ। अब मैं प्याज को अच्छी तरह धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। आधा प्याज मैं ग्रेवी बनाने के लिए काट लेती हूँ और आधा प्याज मैं मसाला में भरने के लिए काट लेती हूँ। अब मैं हरी मिर्च को काट लेती हूँ। अब मैं करेला को बीज को पीस लेती हूँ। और पीस ली हूँ मैं करेला को बीज को। अब मैं टमाटर प्याज को पीस लेती हूँ। पीस ली हूँ। अब मैं चलती हूँ सब्जी बनाने। कढ़ाही गर्म हो गया है, मैं तेल को डाल दी हूँ। जीरा डाल देती हूँ। अब मैं हरी मिर्च को डाल देती हूँ। हरी मिर्च को पकने देती हूँ। अब मैं प्याज को डाल देती हूँ। प्याज को अच्छी तरह मैं चला लेती हूँ और गोल्डन ब्राउन होने देती हूँ। अब मैं इसमें करेला को बीज को जो पीसी थी उसी को मैं डाल देती हूँ। इसे अच्छी तरह मैं मिला लेती हूँ। 1 चम्मच मैं हल्दी पाउडर को डाल देती हूँ। हल्दी पाउडर डालने से कलर बहुत ही अच्छा आता है। 2 चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल देती हूँ। इसे अच्छी तरह मैं मिला लेती हूँ। अब मैं गोलकी, जीरा, आदि लहसुन को पेस्ट को डाल देती हूँ और अच्छी तरह मैं मिला लेती हूँ। अब मैं मसाला में स्वाद अनुसार नमक को डाल देती हूँ और अच्छी तरह मिला लेती हूँ। आप मसाला को अच्छी तरह भूंज लें। मैं मसाला को अच्छी तरह भूंज ली हूँ और मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं करेला में मसाले को अच्छी तरह भर लेती हूँ। मैं सारे करेला में इसी तरह मसाले को भर लेती हूँ। मैं सारे करेला को अच्छी तरह भर ली हूँ और तेल डाल दी हूँ। तेल गर्म हो गया है, मैं जीरा को डाल के करेला डाल देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा करेला कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब मैं दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल को डाल दी हूँ। तेल गर्म हो गया है, मैं जीरा को डाल के मिर्च डाल दी हूँ। मिर्च पक गया है, मैं गरम मसाला, आदि लहसुन, गोलकी, जीरा का पेस्ट डाल दी हूँ। अब इसे हल्दी पाउडर 1 चम्मच डाल दी हूँ, धनिया पाउडर। अब मैं मसाला को अच्छी तरह मिला लेती हूँ। अब टमाटर और प्याज को पेस्ट जो बनाई थी उसको मैं डाल देती हूँ और डाल के अच्छी तरह मिला लेती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च को डाल देती हूँ और डाल के मिला लेती हूँ। कश्मीरी मिर्च डालने से सब्जी का कलर अच्छा लगता है। दूसरी तरफ मैं करेला को अच्छी तरह पका लेती हूँ। अब मैं मसाला में स्वाद अनुसार नमक को डाल देती हूँ और अच्छी तरह मिला लेती हूँ। हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका है और तेल छोड़ दिया है। अब मैं करेला को कड़वापन हटाने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस डाल दी हूँ और अच्छी तरह मिला लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब मैं इसमें पानी को डाल देती हूँ और अच्छी तरह मिला लेती हूँ। दूसरी तरफ हमारा करेला भी अच्छी तरह पक चुका है। अब मैं करेला को मसाला में डाल देती हूँ।
सारा करेला को मैं मसाला में डाल के अच्छी तरह मिला लेती हूँ। ऐसे खोलने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा सब्जी का कलर कितना अच्छा आ रहा है, सब्जी हमारा खोल रहा है। हमारा सब्जी बनकर तैयार है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा सब्जी कितना ही स्वादिष्ट बना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।